स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए सरकार गांव-गांव में स्वास्थ्य केंद्र खोलकर आम जन के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने का दावा करती है, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत क्या है और सरकार के ही अधिकारी सरकार की मंशा पर कैसे पानी फेर रहे हैं, इसका नज़ारा गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद तहसील के बालापुर गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर देखने को मिल रहा है, जहां करोड़ों की लागत से वर्षों पूर्व बना अस्पताल आज तक नहीं शुरू हो सका है और मरीजों की जगह अस्पताल परिसर में भैंस, उनके चारे, उपले चारों ओर दिख रहे हैं। एक तरफ विभागीय अधिकारियों के मिलीभगत से ये करोड़ों की बिल्डिंग तबेला बनी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्यकर्मी अस्पताल परिसर में कुछ दूरी पर एक किराए के मकान में अस्पताल चला रहे हैं। गाजीपुर जिले की मोहम्मदाबाद तहसील ने आजादी की लड़ाई में अपनी अहम भूमिका निभाई थी और आजादी के पूर्व ही यहाँ पर तिरंगा फहरा था, लेकिन आजादी मिलने के बाद सरकार इन लोगों का कितना ध्यान रख रही है, इसकी वानगी तहसील मुख्यालय से कुछ दूरी पर स्थित बालापुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर देखा जा सकता है। यहाँ पर ग्रामीणों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए करीब 8 साल पहले करोड़ों रुपए की लागत से स्वास्थ्य केंद्र का भवन बना, पर विभागीय लापरवाही की वजह से आज तक इसमें अस्पताल का संचालन शुरू नहीं हो पाया। इसके जगह अस्पताल में तबेला जरूर खुल गया है। इस अस्पताल परिसर में एक महिला जिसका दावा है कि वह अस्पताल बनने से पूर्व ही यहाँ रह रही है और आज भी यहीं रहती है। वह अस्पताल परिसर में अपनी भैंस और खच्चर बांधती है और साथ ही पूरा अस्पताल परिसर उसने उपलों से भरा हुआ है। तब 6-7 साल हो गए ना, अभी क्लियर भले ठेकेदार लोग थोड़ी बनवा के लोग चल लोग जाता, क्लियर लोग करे तब ना डॉक्टर लोग रही जाए। हमने के भाई बनला से पहले के बन जाए हो केबिल बा तो कहलन जाए कि उन्हें कुछ ना बनी तो कोई मड़ाई डलवा दहलन जाए। हमने के रहला से इतना सफाई बा बचत बा। कितना दिन से रही ना? हमने के बहुत ढेर दिन से रही ना, जब ये बनल ना रहे तब से ही मड़ाई रहे तो मड़ाई कोई करा दहलन जाए अपन में बन जाए। हॉस्पिटल बनने से पहले यहाँ पे थी, बनने के बाद भी आप ना ही बनला से पहले के बन जाए, बन गेलो तब बन जाए। यहीं पर मतलब अपना आपका पूरा परिवार रहता है और अपना सब कुछ यहीं करते हैं आप लोग? हाँ, परिवार में के भाई हम बानी माई पापा बुचिया बस। जैसे कभी हॉस्पिटल प्रशासन आप लोग को यहाँ हटाने के लिए नहीं करते? ना, जो ये साहब आयलन तो कहलन कि मान जाए कि तोहरा रहला से थूबा, डॉक्टर साहब आयलन तो कहलन कि कुछ परेशानी हमने की नहीं के तू अपन रह। ये तरह घूमे आवेलन? हाँ, जब देहल है नहीं के तो कैसे रही हन, अपन जय लोग चाभी लोग लेके लोग चल गए बा। यहाँ पर लोग जैसे स्वास्थ्य केंद्र ना तो गांव के लोगों के इलाज कहाँ होला? तो सब जाने लगे होला तो अपन आवेलन जाए तो अपन भेज देना पंडित जी के रहलन जाए, वो भाड़ा पर रहलन जाए, भाड़ा दे के रहलन जाए, क्लियर हो जाए तो अपन रहे लोग लगे। यहाँ पे कोई आता ही नहीं है कभी, मतलब देखने को मिलता है यहाँ पे गेट वैसे बंद रहता है, कोई नहीं आता है। अब पता नहीं, हमको तो पता नहीं है इसके बारे में, मतलब कहाँ रहते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं आते। आप इस गांव के हैं, आपके घर में कोई बीमार पड़ता तो कहाँ ले जाते हैं? मोहम्मदाबाद ले जाते हैं। इतना बड़ा स्वास्थ्य केंद्र मोहम्मदाबाद ले जाते हैं? हाँ, मोहम्मदाबाद। कितनी दूर यहाँ से? मोहम्मदाबाद यहाँ से तिवारीपुर पड़ता है हॉस्पिटल, जो सरकारी है वो 4-5 किलोमीटर पड़ता है। यहाँ पे कोई नहीं रहता है, जब से खुला है तब से कोई नहीं रहता है यहाँ। अब यहाँ पे अभी से लोग हैं गाँव के, मतलब पहले रहते थे यहाँ पे, उस तरह है। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य विभाग और सीएमओ की मिलीभगत से अस्पताल जिसका इतना बड़ा खुद का भवन है वो पास के ही एक कमरे में जिसकी हालत काफी दयनीय है को किराए पर लेकर चलाया जा रहा है। यहाँ पर 3 कर्मचारी और 1 डॉक्टर की तैनाती है, जिनको प्रतिमाह करीब 1.5 से 2 लाख रुपए का वेतन भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है, जबकि मरीज यहाँ से करीब 10 किलोमीटर की यात्रा कर मोहम्मदाबाद इलाज कराने जाने को विवश हैं। और जब डॉक्टर साहब महीने 2 महीने में कभी कभार आते हों और बाकी दिन मुगलसराय में अपनी निजी प्रैक्टिस चलाकर प्रतिमाह लाखों कमाते हों। तो जब इस मामले को जिलाधिकारी के संज्ञान में लाया गया तो उनका कहना था कि मीडिया की इस खबर को गंभीरता से लिया गया है और मेरे द्वारा आदेशित किया गया है। वहां पर तैनात 3 कर्मचारियों का दिसंबर माह का भुगतान बगैर मेरे अनुमोदन के नहीं किया जाएगा और सीएमओ को निर्देश दिया गया है कि वहां पर तैनात डॉक्टर और कर्मचारियों की उपस्थिति को भी चेक करें। मीडिया की इस खबर को बल्कि गंभीरता से लिया है,
मुख्य चिकित्सा अधिकारी को मेरे स्तर से निर्देश दिया गया है कि जिन कर्मचारियों का वहाँ तैनात है उनका बिना मेरा अनुमोदन का उनका स्पष्टीकरण प्राप्त होने तक दिसंबर महीने का वेतन को रोकने के लिए आदेश दिया गया है। और हम सीएमओ को यह भी निर्देश दिए हैं कि अभियान के रूप में अपने वरिष्ठ एडिशनल सीएमओ डिप्टी सीएमओ को लगाकर सारे PSC CSC में तैनात कर्मचारियों का और डॉक्टरों का उपस्थिति चेक करने के लिए भी निर्देशित किया गया है और ज़रूर भविष्य में इस पर अपेक्षित प्रगति प्राप्त होगी।